हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं मैं एंजल वन में आप चार्ट कैसे लगाएंगे, आईक्यू चार्ट और ट्रेडिंग व्यू का ये जो चार्ट है ये चार्ट आप कैसे लगा सकते हैं एंजल वन के मोबाइल ऐप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा मोबाइल ऐप है एंजल का, मैंने ऐप लॉग इन किया हुआ है। तो यहाँ पे आप होम पेज पे जाने के बाद पे यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट। तो आप यहाँ पे आप अकाउंट बटन पे आप क्लिक करिएगा, ये अकाउंट बटन पे आप क्लिक करिए। अकाउंट बटन पे क्लिक करने के बाद पे आपको यहाँ पे आ जाना। यहाँ पे जैसे आप ऊपर जाएंगे देख सकते हैं यहाँ पे फंड बैलेंस कितना है, ट्रेड एंड चार्जेस क्या है, यहाँ पे सभी चीजें दिखा रहा है। तो आपको नीचे जाते जाना है, नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद में यहाँ पे आप जो सेटिंग देख रहे हो ना, ये सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। सेटिंग पे आप क्लिक करिएगा। सेटिंग पे जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंज पिन, फिंगरप्रिंट, स्क्रीन लॉक, ऐप थीम, इन्वेस्टमेंट गाइड, आईक्यू चार्ट और ट्रेडिंग व्यू चार्ट, ये दो चार्ट आ रहा है आपका। तो यहाँ पे आपको कौन सा चार्ट रखना चाहते हो आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप आईक्यू रखना चाहते हो तो आप आईक्यू रख सकते हो, ट्रेडिंग व्यू रखना चाहते हो तो ट्रेडिंग व्यू रख सकते हो। अगर आप जैसे मैं यहाँ पे आईक्यू सिलेक्ट करके दिखाता हूँ आपको, जैसे मैंने यहाँ से आईक्यू को सिलेक्ट किया, तो आईक्यू चार्ट को सिलेक्ट करेंगे तो आपका चार्ट कैसे दिखेगा। जैसे नीचे में आप यहाँ देख सकते हैं निफ्टी बैंक, निफ्टी सेंसेक्स। तो चलिए हम यहाँ से चार्ट को देखते हैं कैसा दिखेगा। निफ्टी पे क्लिक करते हैं, एक सेकंड। अच्छा, यहां से मैं होम पेज पे पहले चले जाता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे आईक्यू चार्ट सिलेक्ट किया है। आईक्यू चार्ट सिलेक्ट करने के बाद में मैं होम पे चले जाता हूँ। यहाँ पे होम पे गया, निफ्टी पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। निफ्टी पे मैंने क्लिक किया। निफ्टी पे क्लिक करने के बाद पे यहाँ पे जैसे मैं चार्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ नीचे देख सकते हैं चार्ट। तो चार्ट पे मैंने क्लिक किया। चार्ट पे क्लिक करने के बाद पे अब देख सकते हैं ये कैसा दिख रहा है आपको आईक्यू चार्ट का। यहाँ पे अगर आप ऊपर में इंटरफेस देखेंगे तो कैसा दिख रहा है, देखिए चार्ट एफएक्स टूल, ये इस तरीके से दिखता है। ये आपके ऊपर है आप कौन सा चार्ट आप यूज करना चाहते हो। चलिए अभी मैं चार्ट में क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया चार्ट में। अब ये लाइन पे था, मैं कैंडल पे क्लिक करता हूँ। कैंडल पे मैंने क्लिक किया, देखिए ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ से फिर आप यहाँ से बगल से आप देखेंगे तो चार्ट में आप एक बहुत सारे ऑप्शन देंगे, क्लिक करेंगे तो कैंडल, हैकिनासी, लाइन, बेस लाइन, बार, ये सब बहुत सारे आते हैं। तो यहाँ से आपको कौन सा चाहिए आप वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद में आता है आपका, यहाँ से देख सकते हैं एफएक्स स्टडीज करके आ रहा है। तो चलिए अब मैं एफएक्स स्टडीज को एक बार मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ये वाला है एफएक्स स्टडीज। तो एफएक्स स्टडीज को मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यू कैन एनालाइज टेक्निकल ट्रेंड यूजिंग स्टडीज, टैप ऑन एड स्टडीज टू गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे आपको एड स्टडीज करके आपको क्लिक करना है। एड स्टडीज पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको कौन सा इंडिकेटर लगाना है वो इंडिकेटर आप यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। तो यहाँ से आप नीचे जाते जाओगे ना, देख सकते हैं यहाँ पे एडीएक्स हो गया, बहुत सारे इंडिकेटर, जैसे एडीएक्स हो गया, फिर उसके बाद में आता है आपका एमएसईडी हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, आरएसआई हो गया, स्टॉकिस्टिक हो गया, सुपर ट्रेंड हो गया, एटीआर हो गया, ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर है। तो यहाँ से आपको जो भी इंडिकेटर चाहिए वो इंडिकेटर आप यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि एमएसईडी को मैंने सिलेक्ट किया, एमएसईडी पे मैं क्लिक करता हूँ अभी। एमएसईडी को मैंने प्लस बटन पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने डन किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एमएसईडी आ गया आपके नीचे चार्ट में, देखेंगे तो ये एमएसईडी बटन आ जाएगा यहाँ से देख सकते हैं नीचे में। और इसको चार्ट को आपको बड़ा छोटा करना है ना, तो आपको चार्ट को बड़ा छोटा करने के लिए ये जो दिख रहा है ना, ये इधर वाला लाइन, ये जो प्राइस लिखा हुआ है, ये प्राइस को आप कर्सर माउस ऊपर नीचे करेंगे तो इधर से आप हो जाएगा ये। और जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ये बीच का लाइन, ये बीच का लाइन को आप टच करके ऊपर खींचेंगे ना तो ये बड़ा हो जाएगा आपका, देख सकते हैं ये बड़ा हो गया, ये ऑटोमेटिक, ये नीचे से ऐसे करके था ये बड़ा हो गया। तो इस तरीके से आप इंडिकेटर लगा सकते हो। इंडिकेटर लगाने के बाद में यहाँ से आप टूल में क्लिक करोगे तो आपको भी बहुत सारे टूल मिल जाएंगे। जैसे यहाँ सिलेक्टेड टूल में देखेंगे तो क्या क्या टूल है आपको, एनिमेशन, एरो, एरेज लाइन, उसके बाद में चैनल, क्रॉस लाइन, फेब्रिटेसमेंट, ये सभी टूल भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, हाँ, आईक्यू चार्ट। अब चलिए यहाँ से हम लोग बैक चले जाते हैं, बैक जाते हैं, आईक्यू चार्ट में जाएंगे। अगेन यहाँ पे हम लोग अकाउंट में क्लिक करते हैं। अकाउंट में क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हम सेटिंग पे चले जाएंगे। सेटिंग पे क्लिक किया, सेटिंग पे जाने के बाद पे अब देखिए हम यहाँ पे हम ट्रेडिंग व्यू सिलेक्ट, अब हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू को सिलेक्ट करते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया ट्रेडिंग व्यू। अब चार्ट में हम लोग जो देखेंगे वो ट्रेडिंग व्यू चार्ट देखेंगे, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं ना, ट्रेडर हैं जो भी हैं, तो सब कोई ट्रेडिंग व्यू का ही चार्ट यूज करते हैं, कोई भी आईक्यू चार्ट यूज नहीं करता।
मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको चार्ट देखना है तो आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट देखिएगा। तो चलिए हम वापस यहाँ पे चलते हैं, यहाँ से बैक पे क्लिक करते हैं, बैक पे क्लिक किया, फिर यहाँ से हम होम बटन पे जाते हैं, होम पे क्लिक किया। होम पे जाने के बाद में आप यहाँ पे कोई स्टॉक सर्च कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पे सर्च बॉक्स में मैं कोई स्टॉक सर्च करता हूँ, जैसे एनटीपीसी मैंने सर्च किया, ये देखिए एनटीपीसी आ गया। यहाँ पे एनएससी बीएससी दिखा रहा था, एनएससी के स्टॉक का एनालाइज करेंगे हम लोग। मैंने एनटीपीसी को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये चार्ट को हम क्लिक करेंगे। चार्ट पे मैंने क्लिक किया, चार्ट पे क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं ये जो चार्ट लगा ना, ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट लगा हुआ है। तो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट को आप यूज करिएगा अपने एंजल वन के ऐप में, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट है बहुत ही अच्छा होता है। और ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट को कैसे यूज करना है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे लेफ्ट साइड देखेंगे तो यहाँ पे ये लाइन खींचने के लिए दिखा रहा है, ये आपके लिए लाइन खींचने के लिए, इसको क्लिक करिए तो यहाँ पे देखेंगे तो ट्रेंड लाइन एरो आपको क्या चाहिए आपको, जैसे कि मेरे को हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक किया मैंने। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, ये देखिए ऑटोमेटिक एक डॉट किया तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ऑटोमेटिक आ गया। इसको ऊपर नीचे करना है तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो माउस अपना मोबाइल से, और इसके बाद में हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद में और यहाँ से और चले जाइए नीचे, यहाँ पे आपको टेक्स्ट लिखना है, जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिख देता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ, जैसे बेस्ट स्टॉक कर दिया मैंने, ठीक है, ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे लिखा गया। तो इस तरीके से ना आप ये ट्रेडिंग व्यू का इंडिकेटर को आप यूज कर सकते हो, ये मेजरमेंट है, टूल्स है, बहुत सारे हैं, तो आपको जैसे भी यूज करना है आप यूज कर सकते हो। और उसके ऊपर यहाँ पे आप टाइम फ्रेम आपको लगाना, तो यहाँ से आप टाइम फ्रेम लगा सकते हो, 1 मिनट 2 मिनट 3 4 5 मिनट 10 मिनट, जो भी आपको टाइम फ्रेम यूज करना है यहाँ से आप टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो, यहाँ से आप कैंडल यूज कर सकते हो। देखिए बार करेंगे तो बार में कैसा आएगा, अभी मैं यहाँ पे चेंज करके मैं यहाँ पे समझ लीजिए कैंडल ही कर देता हूँ, कैंडल ही यूज करते हैं ताकि सबसे ज्यादा, ठीक है। तो कैंडल सिलेक्ट कर लिया मैंने, और इसके एफएक्स में यहाँ पे आपको जो भी इंडिकेटर डालना आप वो डाल सकते हो। एफएक्स पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे जैसे मुझे को इंडिकेटर डालना आरएसआई डालना है, तो यहाँ पे इंडिकेटर सर्च करके आप यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे सिलेक्ट किया मैंने, ये देखिए यहाँ पे आरएसआई का इंडिकेटर आ गया। तो इस तरीके से आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट को आप यूज कर सकते हो, और ट्रेडिंग व्यू के चार्ट को यूज करने का तरीका बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और यहाँ से आप बाय और सेल जो दिख रहा है आपको यहाँ पे ऊपर में बाय सेल, यहाँ से आप बाय सेल भी कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हैं बाय सेल दोनों दिया हुआ है, यहाँ से आप बाय सेल भी करिए। और ये इंडिकेटर, ये ट्रेडिंग व्यू को चार्ट प्लेटफॉर्म को आप जरूर यूज करिएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेडिंग व्यू का चार्ट को आपको कैसे यूज करना है अपने मोबाइल ऐप में। तो यहाँ पे आपको आईक्यू और ट्रेडिंग व्यू दोनों दिखेगा, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेडिंग व्यू के चार्ट को ही आप यूज करिएगा, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू। तो मेरे चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोज अपलोड करूँ आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहे। इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।